2024 यानी कि 1/10/2024 से 31/3/2025 तक के लिए फॉस्फेटिक और पोटेसिक पी एंड के उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी एनबीएस दरों को स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2024 तक स्वच्छता और लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष अभियान 4.0 आयोजित किया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 के उपलक्ष्य में कई गतिविधियों की घोषणाएं की हैं और सबसे महत्वपूर्ण एक देश एक चुनाव की पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी समिति की सिफारिशों को भी कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। सभी महत्वपूर्ण फैसलों पर विस्तार से बातचीत करेंगे और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में, जैसा कि हमने आपको बताया, कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इन फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए एनपीके उर्वरकों के लिए 24,475 करोड़ रुपए की सब्सिडी आवंटित की है। अब किसानों पर से वित्तीय बोझ कम होंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय सुरक्षण अभियान प्रधानमंत्री आशा के लिए 35,000 करोड़ रुपयों को मंजूरी दी है। इस अभियान के तहत दाल और तिलहन उत्पादों उत्पादक किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। आज कैबिनेट में न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी 24,475 करोड़ की अप्रूव हुई है और फाइनेंशियल बर्डन किसानों पर से कम होगा। और दूसरी एक बड़ी बात है कि न्यूट्रिएंट बेस्ड करने से किसान अपने फार्म लैंड पे अपने खेती के प्रोग्राम में बैलेंस्ड यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स कर सकते हैं। अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा, इसके लिए 35,000 करोड़ रुपीस का एलोकेशन है। ये साथियों बहुत एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है जो देश में जो हमारी दालें हैं, अलग अलग टाइप की पल्सेस हैं और ऑयल सीड्स हैं, तिल है और भी कई तरह के जो ऑयल सीड्स हैं, उन सब में कैसे किसानों को और प्रोत्साहित करें और उनमें खेती करने वाले किसानों के लिए एक बहुत बड़ी एक तरीके से प्राइस को स्टेबलाइज करने का मैकेनिज्म इस स्कीम में। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 4 मिशन के विस्तार को भी मंजूरी दी है। साथ ही सरकार ने वीनस ऑर्बिट मिशन को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत वीनस का अध्ययन किया जाएगा। सबसे आज बड़ा फैसला लिया गया कि चंद्रयान 4 मिशन को और एक्सपैंड किया गया, इसमें और बड़ा किया गया, इसमें एलिमेंट्स नए जोड़े गए हैं। वीनस ऑर्बिटर मिशन का भी अप्रूवल हुआ है। ये वीनस प्लैनेट के चारों तरफ ऑर्बिट करना और जो वीनस का एटमॉस्फेयर है उसमें प्रोब, आप जानते हैं कि वीनस इज द सेकंड नेक्स्ट प्लैनेट फ्रॉम सन और ये अर्थ का ट्विन कहलाता है। वहाँ की बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको स्टडी करने से कई साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फंडामेंटल रिसर्च में इसका बेनिफिट होता है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज क्रिएटर इकोनॉमी बहुत बड़ी शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बन रही है। सरकार इसमें युवाओं की भागीदारी पर जोर दे रही है, जिसके लिए सरकार संस्थान का निर्माण करेगी। जो हमारे नौजवान जो क्रिएटर इकोनॉमी के साथ जुड़े हैं, और आप जानते हैं कि आज क्रिएटर इकोनॉमी एक बहुत बड़ी पावरफुल इकोनॉमी बन रही है, लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, इसमें प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रॉपर स्किलिंग का, नई टेक्नोलॉजी का, इन सब का उपयोग करके कैसे यूथ को अच्छा हम एक नया रोजगार के नए अवसर दे सकें, ये सोच के एक नया इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा जिस इंस्टीट्यूट में ये सारी ट्रेनिंग्स दी जाएगी। एक देश एक चुनाव पर जोर देते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश में एक बार चुनाव होने से देश में विकास लगातार जारी रहेगा और पैसों की भी बचत होगी। उन्होंने कहा कि देश के 80% से अधिक लोगों ने इसका समर्थन किया है। लॉ कमीशन ने अपनी 170th रिपोर्ट में रिकमेंड किया था कि वन इलेक्शन
टू लोकसभा एंड ऑल लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन 5 ईयर्स होना चाहिए, जिससे कि देश में डेवलपमेंट चलता रहे। जो बहुत सारा खर्चा होता है इलेक्शंस के कारण वो न हो, बहुत सारा लॉ एंड ऑर्डर और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो बाधित हो जाता है बिकॉज पुलिसमैन आर टोटली डिप्लॉयड इन मेंटेनिंग द इलेक्शन लॉ एंड ऑर्डर, वो सब जो बड़ा एक बहुत बड़ा एक डिसरप्शन रहता है वो न हो। और एक तरीके से जो आज का यूथ है और आज का जो भारत है जिसकी एक एस्पिरेशन है कि डेवलपमेंट तेजी से हो, तो हम आपको